आज का हमारा टॉपिक है गोविंद पारिक में, जो हम कंपैरेटिव स्टडी वाला पढ़ रहे थे, उसमें 78 पेज नंबर पे यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है लंघन के बारे में। तो आचार्य चरक ने लंघन के 10 भेद बोले हैं, सुश्रुत ने वर्णन नहीं किया, भागवत ने 12, हारित के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 लिखा है, जबकि चरक और भागवत वाला इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिए आप। देन है विपाक, विपाक हमारा 3 प्रकार का बोला है चरक ने, और जो भागवत है उनके अकॉर्डिंग 3 प्रकार का है, पराशर ने भी 3 बोला है, सुश्रुत ने 2 बोले हैं विपाक, गुरु और लघु। ठीक है, द्रव्यों का वर्गीकरण यहाँ पे बोला, तो आहार द्रव्य है जो चरक ने वर्णित किए हैं वो 12 हैं, सुश्रुत ने द्रव और अन्न दोनों अलग अलग वर्ग बोले, तो द्रव वर्ग में 10 हैं, अन्न द्रव में जो है वो अन्न द्रव्य में 13। नेक्स्ट है अष्टांग, हृदय के अकॉर्डिंग जो द्रव है यहाँ पे, ये जो लिखा है ना द्रव 6 अन्न 6, तो ये अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग है, आप साइड में लिखना अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग द्रव वर्ग उन्होंने 5 बोले और अन्न वाले जो है वो 7, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग बता रहे हैं द्रव जो है वो 5 बोले हैं, अन्न में 7 वर्ग, और ये 6 6 ये अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट स्वेदन के बारे में बोला, 13 साग्नि और निराग्नि 10 हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 और 8 ऐसे बोला, काश्यप ने 8 बोले हैं। देन यहाँ पे आमवात है, इनका अलग से वर्णन नहीं किया, बस आगे जो भागवत वाला जो कॉलम है उसमें माधव निदान के अकॉर्डिंग है और शारंगधर के अकॉर्डिंग। आप इसके बाद आना मधु के भेद में, 4 चरक ने बोले हैं, भागवत ने भी 4, सुश्रुत ने 8 बोले हैं, मधु के भेद पढ़े हुए हमने सब हैं, बट थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। फिर शुक दोषों का वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया, सुश्रुत के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना 18 होते हैं, शुक दोष सुश्रुत के अकॉर्डिंग 18 है, माधव निदान ने भी 18 बोले हैं, शारंगधर के हाईलाइट करना 24, शारंगधर ने शुक दोष 24 बोले हैं। फिर है आवरण, आवरण यहाँ पे लिखा चरक ने 42, इंपॉर्टेंट है ये आवरण वाला भी, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग भी लिखना 42, चरक वाले में ही जो है वो लिख लेना आप, चरक वाला जो कॉलम है उसमें लिखना अष्टांग हृदय 42, चरक ने भी 42, अष्टांग हृदय ने भी 42, सुश्रुत ने 13 बताए हैं वर्ग, फिर अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग लिखा है ये 22 आवरण के भेद। फिर अग्नि कर्म बोला है सुश्रुत ने, 4 बोले और भागवत ने 7, व्रण शोथ है हमारे अवस्था के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का बोला है, और ये 6 इधर साइड में लिखा, अवस्था के अकॉर्डिंग आप 3 पे एरो करना, और दोषानुसार 6 बताए हैं इन्होंने, और भागवत ने 9 भेद। फिर पुरुष की लंबाई, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 84 अंगुल चरक बोलते हैं, 120 अंगुल सुश्रुत, अष्टांग जो हृदय है उनके अकॉर्डिंग 3.5 हाथ है, लिख लेना आप इनमें से किसी भी एक कॉलम में, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 3.5 हाथ, हृदय में याद रखना उन्होंने यूनिट हाथ को बोला, तो 3.5 हाथ अष्टांग हृदय, और भागवत ने 84 अंगुल बोला है। फिर रस से शुक्र बनने में कितना टाइम लगता है, तो चरक के अकॉर्डिंग 6 दिन है, सुश्रुत ने 30 दिन बोला और भागवत ने 1 दिन। सर्व सर्व मुख रोग इन्होंने जो है वो 3 बोले हैं सुश्रुत ने, और जो है वो भाव प्रकाश उन्होंने 5 और शारंगधर ने 8 बोले, तो भागवत भी हमारे जो है वो 8 बोलते हैं। फिर त्वचा बताई है इन्होंने यहाँ पे, फिर सूती का काल बताया है सुश्रुत के अकॉर्डिंग 1.5 मास है। नेक्स्ट आप आना शस्त्र कर्म, शस्त्र कर्म वाला जो कॉलम है, प्रमेह पीड़िकाएं आपको पता है, चरक ने 7 बोली है, सुश्रुत ने 10 बोली है, ये नंबरिंग ऐसे आचार्य का नाम लिख के बहुत रेयर है ऐसा पूछा जाए तो, लेकिन फिर भी आपको हमने जहां पे भी आया है संहिता में वहां अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग लिखवाया ही आपको। शस्त्र कर्म देखना, चरक ने 6 बोले हैं, ब्रैकेट में लिखना माइनस एषण और आहरण, मतलब जो सुश्रुत के हमें 8 याद रहते हैं शस्त्र कर्म, तो उन 8 में एषण और आहरण इन दोनों को न मानकर बाकी 6 बोले हैं चरक ने, सुश्रुत ने 8 बोले हैं और भागवत ने 5 एक्स्ट्रा बोले, मतलब 8 सुश्रुत वाले और 5 एक्स्ट्रा, तो 13 बोलते हैं। फिर सर्प के भेद इन्होंने बोले हैं 3, सुश्रुत ने 5 और भागवत ने भी 5। फिर स्थावर विष के अधिष्ठान औषध सेवन काल यहाँ पे लिखा है, व्रण की चिकित्सा चरक ने 36 बोली और सुश्रुत ने 60 उपक्रम बोला। फिर अन्न प्राशन संस्कार की बात की गई है, सुश्रुत बोलते हैं 6 मास में, भागवत भी 6 मास में ही बोलते हैं, काश्यप लिखना यहाँ पे 10 लिखा है ना मास, 10 मास उन्होंने अन्न प्राशन बोला, फल प्राशन 6 मास में बोलते हैं काश्यप।
काश्यप के अकॉर्डिंग बच्चों में जो फल प्राशन हम कराते हैं वो 6 मास में और अन्न प्राशन 10। फिर वीर्य के दोष चरक के अकॉर्डिंग 8 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11। क्रियाकाल 3 प्रकार का है, चरक के अकॉर्डिंग संचय, प्रकोप और प्रशमन। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 षड क्रियाकाल उन्होंने बोला। फिर शोष यहाँ पे बताया गया, तो माधव निदान के अकॉर्डिंग देखना, शोष 4 प्रकार का, हाईलाइट करना, 7 टाइप्स। नेक्स्ट अर्बुद है, विषम ज्वर, गलगंड के बारे में बोला। सुश्रुत के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना, गलगंड के 3 भेद हैं, वातज होता है, कफज होता है और मेदोज होता है, पित्तज गलगंड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है 79 नंबर पेज पे निद्रा के बारे में बोला गया, तो निद्रा के चरक ने 6 भेद बोले हैं, सुश्रुत ने 3, वाग्भट ने 7 और शारंगधर का हाईलाइट करना 1, शारंगधर ने 1 निद्रा। फिर इसी तरीके से उन्माद के चरक के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना, 5 भेद हैं, सुश्रुत ने 6 भेद बोले हैं, हाईलाइट करना सुश्रुत ने, चरक ने सिर्फ 5 बोले, बाकी देखिए सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी वाग्भट, माधव निदान ये सब 6-6 ही बोलते हैं। फिर सोम रोग का वर्णन आचार्य चरक ने भी नहीं किया, सुश्रुत ने नहीं भी किया और शारंगधर ने वर्णन किया, लेकिन एक ही भेद होता है, हाईलाइट करना, सोम रोग का एक ही टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पे संप्राप्ति बोला गया, तो संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल, इस तरीके से बोलते हैं 6 टाइप्स। तो संप्राप्ति के चरक बोलते हैं 6 भेद और लास्ट वाले पॉइंट में वाग्भट के अकॉर्डिंग 5 और माधव निदान के अकॉर्डिंग भी 5। दो जो चरक में वर्णित हैं उनमें उन्होंने विधि संप्राप्ति को नहीं माना, बाकी 5 मानते हैं। फिर गृहिणी दोष जो है वो 4 प्रकार का बोला, फिर सुश्रुत ने भी 4 प्रकार का, माधव निदान ने भी। नेक्स्ट नाड़ी व्रण के बारे में, सुश्रुत ने 8 भेद बोले हैं नाड़ी व्रण के और भाव प्रकाश, माधव निदान, शारंगधर के अकॉर्डिंग 5। नेक्स्ट अश्मरी, अश्मरी के सुश्रुत के अनुसार 4 भेद हैं। चरक ने अश्मरी का वर्णन किया है लेकिन उसके भेद नहीं बताए क्या क्या हैं, सुश्रुत ने उसके भेद बताए हैं 4। नेक्स्ट है वात रक्त, वात रक्त में हाईलाइट करना, अगर आपसे पूछा जाए चरक के अकॉर्डिंग वात रक्त के भेद तो 2 ही हैं, गंभीर और उत्तान, ठीक है, गंभीर और उत्तान है इसके भेद। दोषानुसार फिर अगर हम डिवाइड करें तो 8 होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए वात रक्त के भेद चरक के अकॉर्डिंग तो 2 ही टिक करेंगे आप। फिर है हमारा शूल बताया, यहाँ पे क्षय बताया है, वमन और विरेचन के व्यापद वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना, वमन विरेचन के व्यापद, चरक के अकॉर्डिंग 10 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 15 और वाग्भट के अकॉर्डिंग 12। बस्ती व्यापद हाईलाइट करना, चरक ने 12 बताए हैं, 12 चरक के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है ये। फिर स्तन रोग है, भग्न पे आना आप, भग्न, भग्न यहाँ पे लिखा है सुश्रुत के अकॉर्डिंग 2 प्रकार का होता है भग्न, उनमें भी संधि भग्न 6 और कांड भग्न होता है 12। नेक्स्ट उदावर्त है हमारा, सन्निपातिक ज्वर है, परिणाम शूल, विद्रुद्धि के बारे में बोला, आर्तव दोष है, बाल ग्रह बोले हैं, श्वित्र, रोहिणी, लीहा, गृद्रसी में आना, गृद्रसी हाईलाइट करना, 2 भेद होते हैं, गृद्रसी के 2 भेद होते हैं, वातज और वात कफज। नेक्स्ट विष के वेगों की बात की गई, चरक के अकॉर्डिंग 8 है, विष के वेग सुश्रुत ने 7 बोले। तृष्णा इंपॉर्टेंट है, चरक ने 5 भेद बोले हैं, सुश्रुत ने 7 और वाग्भट और माधव निदान दोनों ने 7, शारंगधर ने 6 बोले हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो है हमारा स्तनपान का निर्देश, इसको हाईलाइट करना सभी के अकॉर्डिंग, स्तनपान का निर्देश जो आचार्य चरक, उन्होंने जन्म के प्रथम दिन से ही कहा है, सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने 4थे दिन से, उन्होंने क्रम बताया, जैसे कि अभी बेबी का बर्थ हुआ तो फर्स्ट डे उसको आप मधु सर्पी अनंता देते हो, फिर लक्षणा से सिद्ध घृत देते हो दूसरे और तीसरे दिन, 4थे दिन उसको जो है वो घृत और मधु ऐसे असमान मात्रा में चटाने के बाद फिर दुग्ध पानी, यानी 4थे दिन कराने का निर्देश है, जबकि चरक के अकॉर्डिंग प्रथम दिन ही है। नेक्स्ट है हमारा 80 पेज नंबर पे तंत्र युक्ति यहाँ पे बताई गई है, तो चरक के अकॉर्डिंग 36 हैं, वाग्भट के अकॉर्डिंग सॉरी सुश्रुत के अकॉर्डिंग 32 हैं और वाग्भट के अकॉर्डिंग 36। आप पेज के टॉप पर लिखना भट्टार हरिश्चंद्र, भट्टार हरिश्चंद्र हैं जो उन्होंने तंत्र युक्तियां बताई हैं 40-40। नेक्स्ट अजीर्ण अरोचक बोला, अर्श है, अतिसार है, हिक्का, स्वर भेद के टाइप में आना, आप हाईलाइट करना, चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों ने ही स्वर भेद 6 प्रकार का बोला, काश्यप के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना, 8 प्रकार का स्वर भेद, काश्यप के अकॉर्डिंग 8 प्रकार।
नेक्स्ट है श्वास है, फिर तमक श्वास का, हृदय रोग, मध्य की अवस्थाओं पे आइए। मध्य की अवस्थाएं चरक ने भी, सुश्रुत ने भी और भागवत ने तीन बोली हैं, माधव निदान ने चार बोली हैं, हाईलाइट करना माधव निदान वाला। मध्य की अवस्थाएं चार। फिर पांडु के भेदों पे आइए आप। चरक के अकॉर्डिंग पांडु के भेद पांच हैं, सुश्रुत ने चार बोले, भागवत ने भी पांच, और हारित के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना आठ, हारित ने आठ बोला है। देन है कुष्ठ के भेदों को हाईलाइट करना चरक के अकॉर्डिंग। चरक ने सात भी बोले, अठारह भी बोले और फिर असंख्य भी बोल दिया, तीनों नंबरिंग बोली है चरक ने। सुश्रुत ने है जो अठारह बोले हैं, भागवत ने भी अठारह और माधव निदान ने भी अठारह वर्णित किए हैं। फिर कामला है, नेक्स्ट विसर्प। विसर्प हाईलाइट करना चरक के अकॉर्डिंग दोषानुसार सात भेद का, दोषानुसार ही आपसे पूछा जाएगा तो विसर्प आपको टिक लगाना है, सात भेद होते हैं विसर्प के। फिर नेक्स्ट है मुत्राघात वाला पॉइंट हाईलाइट करना सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग। मुत्राघात चरक के अकॉर्डिंग तेरह है, अष्टो मुत्राघात आपको टिक करना है। अगर सपोज आपको क्वेश्चन आता है चरक के अकॉर्डिंग मुत्राघात के भेद, तो आठ टिक करेंगे आप, पहले प्रायोरिटी आठ को दी जाएगी। अगर आठ ऑप्शन में नहीं है देन थर्टीन आप टिक कर सकते हैं। फिर सुश्रुत ने बारह बताए हैं और जो भागवत है उन्होंने बीस। भगंदर के भेदों में हाईलाइट करना, सुश्रुत ने पांच बताए हैं भगंदर और भागवत ने आठ बताए। फिर ये प्रतिशय वाला इंपॉर्टेंट है। चरक ने प्रतिशय के चार भेद बोले, सुश्रुत ने पांच और रस रतन समुच्चय ने छह, मल संचय जन्य भी बोला है उन्होंने, छह भेद बताए प्रतिशय के। फिर शिरो रोग है, गुल्म के बारे में हमें पता है, रक्त पित्त वृद्धि रोग, शलीपद में आना। शलीपद में चरक ने वर्णन जरूर किया है शलीपद का, लेकिन भेद वर्णित नहीं किए। सुश्रुत ने भेद वर्णित किए हैं तीन, वातज पित्तज और कफज, तो ये तीन हाईलाइट करना। माधव निदान ने भी तीन बोले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 81 पेज नंबर पे, 81 नेत्र रोगों के बारे में। तो 4 और 96 चरक के अकॉर्डिंग, 76 जो है वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग और भागवत ने 94 बोले हैं। इतना आपको मेनली याद रखना है, बाकी इनको छोड़ देना है सभी, क्योंकि याद नहीं हो पाएंगे। और जो सबको करने के चक्कर में फिर जो इम्पोर्टेंट है वो ना भूल जाओ आप, तो चरक सुश्रुत और भागवत ये मेन आपको याद हों। देन नासा रोग है जो, वो इन्होंने चार ऐसे जो अष्टोदरी अध्याय है उसमें चार ऐसे वर्णित कर दिए, लेकिन फिर जब जहाँ पे डिफाइन करने की बारी वहां पे दस का वर्णन किया, लेकिन संख्या कोई एग्जैक्ट नहीं बताई है। चार ही टिक करेंगे अगर आता है तो। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 31 है और भागवत के अकॉर्डिंग है 18, वो आपको याद हो। शिरो रोग इंपॉर्टेंट है, चरक के अकॉर्डिंग पांच है, सुश्रुत ने 11 बोला और भागवत ने 10। इसी तरीके से मुख रोग, चार भी बोले 64 भी बोले चरक ने, सुश्रुत ने 65 और भागवत ने 75। फिर कर्ण रोग भी हैं, चार 28 और 25। धूम्रपान वाला इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना। धूम्रपान नहीं, धूमपान हम बोलते हैं आयुर्वेद में, तो धूमपान के चरक हैं जो उन्होंने तीन भेद बोले हैं, सुश्रुत ने पांच और शारंगधर ने छह। फिर इसके बाद शुद्र रोग इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना। सुश्रुत के अकॉर्डिंग शुद्र रोग है 44, चरक ने वर्णन नहीं किया। शुद्र रोग में हालांकि जो व्याधियां आचार्य सुश्रुत ने इंक्लूड किया उनका वर्णन है चरक में भी, सभी का नहीं बट मोस्टली का है, लेकिन अलग से कोई चैप्टर करके शुद्र रोग नहीं बताया, जबकि सुश्रुत में वो वर्णित है। तो शुद्र रोग जो सुश्रुत है उन्होंने 44 बताए हैं, भागवत ने 36, माधव निदान ने 43 और शारंगधर ने 60। देन अर्श ग्रंथि, फिर शस्त्र पे आइए आप। शस्त्र हाईलाइट करना, शस्त्र सुश्रुत ने 20 और भागवत ने 26। इसी तरीके से यंत्र 101 बताए हैं सुश्रुत ने और भागवत ने 116 बताए। अनु शस्त्र को हाईलाइट करना, जो सुश्रुत है उन्होंने 14 बताए हैं, भागवत ने 17। नाड़ी यंत्र 20 बताए हैं, संख्या की जब बारी आई तो वहां विंशति नाड्या यानी नाड़ी यंत्र 20 होते हैं, लेकिन जो मूल श्लोक है अगर उसमें आप काउंट करो तो मूल नाड़ी यंत्र 12 हैं, वैसे 20 काउंट होंगे। फिर भागवत के अकॉर्डिंग 23 या 26। फिर शोथ के उपद्रव सात बोले हैं चरक ने, जो सुश्रुत उन्होंने 9 बोले हैं। इसी तरीके से कपालगत रोग, उपयंत्र, नपुंसक गण, महाकषाय वर्णित है, विपाक, वीर्य, वीर्य में आना आप। वीर्य देखिए चरक और सुश्रुत दोनों का 2-8 और भागवत का भी। निमि के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वीर्य 15 भेद, निमि के अकॉर्डिंग वीर्य इंपॉर्टेंट है, 15 भेद हैं। देन आता है यंत्र दोष, यंत्र दोष सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 12 और भागवत ने 8 बताए हैं।
आग्रह द्रव्य है जो चरक ने 152 बताया, 152। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग ये बताए 155। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग लिखना 55। अष्टांग हृदय ने 55 बताए हैं, अष्टांग संग्रह ने 155 और चरक ने 152। फिर यहाँ पे प्रायोगिक धूमपान के काल चरक ने 8 और सुश्रुत हैं जो उन्होंने 12 टोटल धूमपान के काल बताए हैं। उन्होंने इन 12 को कैसे डिवाइड किया, 3 है जो विरेचनिक के हैं, 4 प्रायोगिक के और 5 स्नेहनिक के। आप लिख लीजिए 12 लिखा है ना, इसकी ब्रैकेट में लिखना 3 विरेचनिक, 3 लिखिए विरेचनिक, 4 प्रायोगिक, 3 विरेचनिक आपने लिखा, 4 प्रायोगिक, 5 स्नेहनिक। नेक्स्ट आप इस पेज के बॉटम पर लिखना क्लेब्य, क्लेब्य लिखिए। चरक के चरक वाले कॉलम में लिखना 4 और सुश्रुत के कॉलम में लिखना 6। क्लेब्य 4, चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6। नेक्स्ट आता है 82 पेज नंबर पे हमारा निद्रा के भेद। निद्रा के भेद 6 बोले, फिर से ये रिपीट हुआ है। औषध कल्पनाएं आएंगी इसमें, 5 है हमारे चरक के अकॉर्डिंग हाईलाइट किया, सुश्रुत ने 6 बोली और काश्यप ने 7। आहार के भेद यहाँ पे बोले तो चरक के अकॉर्डिंग 4 हैं, भाव प्रकाश ने 6 बोले और शारंगधर ने भी 6। चौष्य और चर्वे इन्होंने अलग बोला है। कुक्षी के भेद, कुक्षी के जो पाठ किए हैं चरक ने 3, क्योंकि हम चरक में पढ़ते हैं त्रिविध कुक्षी अध्याय, तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, त्रिविध कुक्षीय बोला, तो कुक्षी के 3 भाग बोलते हैं चरक, और बागवत ने 4 बोला, काश्यप ने भी 4, हाईलाइट करना ये। नेक्स्ट है शरीर वृद्धि कर भाव, चरक के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना, 4 होते हैं शरीर वृद्धि कर भाव। फिर कोष्ठांग में हाईलाइट करना, चरक ने बोले हैं कोष्ठांग 15, सुश्रुत ने कोष्ठ बोला है 8, वागवट ने भी 8 और काश्यप ने 13। आप एक पेज के टॉप पर लिखना प्रत्यंग, प्रत्यंग लिखिए और चरक वाले कॉलम में लिखना 56। चरक ने प्रत्यंग बोले हैं 56, सुश्रुत ने बोले हैं 57 और काश्यप ने बोले हैं 87। प्रत्यंग चरक के अकॉर्डिंग है 56, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 57, काश्यप के अकॉर्डिंग 87। नेक्स्ट है विष के गुण, ये हमें पता है। व्रण बंधन के भेद, ऋतुकाल बोला, ऋतुकाल में देखना 12 है चरक और सुश्रुत दोनों के अकॉर्डिंग, भागवत के अकॉर्डिंग 16 हाईलाइट करना, 16 डेज का बोला है ऋतुकाल। फिर अस्थियों की संख्या वाला बहुत बार रिपीट हो गया, इसी तरीके से संधि हाईलाइट करना, 200 बोली हैं चरक ने, सुश्रुत ने 210 बोली हैं, स्नायु दोनों ने ही 900। पेशी वाला इंपॉर्टेंट है, चरक 400 बोलते हैं पेशी, सुश्रुत ने 500 बोली और स्त्रियों में 20 अधिक, मतलब 520 होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा दो हृदय अवस्था वाला इंपॉर्टेंट है, दो हृदय अवस्था, तो तृतीय मास में बोलते हैं चरक, चतुर्थ मास में बोलते हैं सुश्रुत और 3 पक्ष से 5 मास तक बोलते हैं वागवट। नेक्स्ट ये अन्नप्राशन वाला भी हो गया, नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधियां है लास्ट पॉइंट, तो चरक ने 4 बोली है, नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधियां 4 और वागवट ने 2। तो इस तरीके से ये जो हमारा कंपैरेटिव स्टडी वाला है पूरा जो पॉइंट है, 82 पेजेस हैं, ये कंप्लीट होते हैं।